आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव मानपुर पट्टी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर और ब्लॉक से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। इस गांव की कमान अमरपाल सिंह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बताते चलें कि ये अपने अच्छे कार्यों के कारण तीसरी बार गांव के प्रधान चुने गए हैं। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की काफ़ी मदद की गई है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। ग्राम प्रधान अमरपाल सिंह और सचिव रविपाल के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफ़ी विकास कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में गाँव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएँ बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के मानपुर पट्टी ग्राम पंचायत में, जहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं, किस तरह से यहां कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लोगों की मदद की गई है और क्या कोशिशें इनकी आगे जारी हैं, इस सब के बारे में हम जानकारी लेकर के ग्राम प्रधान जी से आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि ये कार्यकाल आपका जो है समाप्ति की ओर है लगभग, इस तरह से अब तक के बीते वर्षों में, बीते कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य अपने ग्राम पंचायत में करना है? सबसे पहले नंबर तो कोरोना में जो भी कार्य किए हमने, किसी को परेशानी नहीं आ रही, नाच से, खाने से, पीने से, बीमारी अगर किसी को बुखार भी आया, खांसी भी, तो उसको अपनी गाड़ी की है। सबसे पहले कर्तव्य तो हमारा ये है। अब विकास कार्य किए हमने 5 साल 4 साल 8 महीने के 7 महीने के अंदर वो विकास किया है। आगे कोई भविष्य में अगर कोई नया प्रधान बने तो करे, इस बात को नहीं कह सकते, मगर अब से पहले कभी कुछ नहीं करना। जो काम मतलब गांव में सबसे पहले मेरे मेरे गांव इस मानपुर पट्टी नपनला 7 घंटे लगते हैं। 7 घंटे में ये मानपुर पट्टी है, मानपुर में पट्टी एक मजरा ये पट्टी है, इस पट्टी के अंदर कोई कच्ची रास्ता भी नहीं थी, मतलब ये निकलने के लिए कोई कच्ची रास्ता नहीं। मैंने सबका सहयोग लेके वो रास्ता मोड़ खरीदी, प्यार से लई वो लेके, और मैंने रास्ता सारे गांव के अंदर चौपर खोल दिया। आज हमारे गांव में जो भी बारात आती है वो तो सारे गांव में बोल जाती है। क्या कोई रास्तों का काफ़ी आपने यहाँ पर जो है विकास किया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रास्ते सबसे पहले नंबर, जब हमारे रास्ते सही हैं तब हमारा विकास है, रास्ते सही नहीं है तो हमारा कोई विकास नहीं। आवास मिले जी? जी जी, आवास मोदी ने आवास दिए हैं, वो आवास हमने बनवाए हैं, करीब 93 आवास हमारे लिए। आवास मांगने के लिए तो तमाम लोग मांगे थे, हमें आवास चाहिए। फिलहाल जो हाँ जो पात्र हैं, जो मानक पात्र हैं, वो लगभग 8-10 लोगों को मिल जाएगा, तो ठीक है, सभी के पक्के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हमारी सरकार चला रही है, उज्ज्वला पेंशन, बिजली कनेक्शन, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो ये आपके ग्राम पंचायत में जितने भी गांव सात गाँव आपने बताए हैं लगते हैं रहते, तो सभी को इन सबका लाभ मिल पाता है सारी योजनाओं? देखो सबको तो लाभ नहीं मिल पाता है, मगर कुछ लोग हर वंचित रह जाते हैं, और मेरे गांव में का हर जगह रह जाती हैं। सरकार से लाभ आता है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा है। हमारे ये कनेक्शन जो कराए हैं तो कनेक्शन 115 कनेक्शन हुए हैं, सबके कनेक्शन हुए हैं, जिस जो पात्र हैं, जिस लायक हैं उनकी मतलब। अब किसान का पैसा जो आ रहा है 2-2 हज़ार रुपये मोदी भेज रहे हैं, तो उनमें भी आप 50% से ज़्यादा 75% मान के चलिए 2-2 हज़ार रुपये लोगों के आ रहे हैं। अब सब हाँ पेंशन भी है, विधवा पेंशन भी है, विकलांग पेंशन भी है, और यहाँ पर जैसे कि स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट और कूड़ेदान वगैरह, ये सब गाँव में रखवाएंगे, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है, मगर और बढ़िया हो जाती है अगर रास्ते बढ़िया हो जाते हैं। रास्ते हों कैसे बढ़िया, थोड़े से पैसे अगर 7 गांव में एक गांव के अंदर अगर हम देखिए 4 घर बसे हुए हैं, तो उसके अंदर 4 लाख रुपये में लगा है ना, तो रास्ते थोड़ी और ठीक हो जाते अगर पैसा गवर्नमेंट थोड़ा सा भेज देती। स्कूल में कार्यकल्प के अंतर्गत जी जी सर, हाँ सब बोनती और सारे काम मतलब जो कार्यकल्प के अंदर जो होते हैं
सभी सौंदर्यकरण करवाया जाए। बिल्कुल अब अपने गांव को विकसित और सुंदर बनाने के लिए और ज्यादा विकसित करने के लिए, जैसे आपने बताया गांव में काफी पिछड़ापन अभी है, आप बता रहे हैं, तो क्या प्रमुख समस्याएं आपको ऐसी लगती हैं यहां पर कि यदि सरकार मदद मिले सरकार की तरफ से आपको तो किस तरह की प्रमुख मांगे आप रखना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो हमारा जो गाँव जो है एक बॉर्डर पे गंगा के किनारे है, जो संपर्क मार्ग हमारा हाईवे से संपर्क मार्ग है, जब वो ठीक होगा तो अगर वो गांव में वो नब्बा नगला गांव है वो हमारी ग्राम पंचायत में, उसमें को निकल कर रास्ता आएगी फिर दूसरे गांव में को आएगी तो वो जुड़े वो बढ़िया रास्ता हो जाएगी। गलियां हैं वो मैं कर चुका हूँ तो हमारा और विकास हो जाए। दूसरी बात डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, ये भी जरूरी है बच्चों का भविष्य बनना। खेल कूद के मैदान हैं, अब हमारे यहाँ चकबंदी चल रही है, चकबंदी के कारण हमारे यहाँ पंचायत घर में भी दिक्कत आ रही है। क्यों? जमीन पंचायत भवन भी नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है। बिल्कुल 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 साहब, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। और तो इसके लिए कभी कोई कोशिश या मांग रखी गई है? जी बिल्कुल मांग रखी है, बता रहे हैं कि पंचायत घर आ गया और जगह चिन्हित करिए। अब जगह चिन्हित कहाँ करें, यहाँ चल रही है चकबंदी, चकबंदी चल रही है, कोई वैसी जमीन तो है ना ग्राम सभा की, सब इसको जगह को चिन्हित कर दें। अब वो तो डीएम साहब, अस्पताल कितनी दूर है यहाँ? अस्पताल हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जी। उससे पहले कोई स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र कोई, कोई, या कोई अस्पताल कोई? तो अगर मतलब जो है वक्त बे वक्त कोई दिक्कत आ जाएगी किसी मरीज को तो उसके लिए सुविधा पहले तो फोन ही कर दिए जाते हैं आठ नंबर। हाँ, अगर मूडा पांडे अगर वहाँ ले जाने हो और अगर कोई उन्हें रामपुर अस्पताल ले जाना हो तो मैं रात के 12 बजे भी अगर मुझे कोई याद करता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कौन पार्टी का है कौन क्या है, मेरा गैर सब मैं प्रधान हूँ और सब मेरे लिए एक समान है। मैं रात के 12 बजे भी जो भी याद करता है उससे गाड़ी लेके। तो आपने अस्पताल को लेकर के यहाँ कभी कोशिश की है कि जी, बने? जी, 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 जी। तो ग्राम समाज की जगह ना होने की वजह से नहीं बन पाया या कुछ और कारण रहा है? पीछे तो इतनी कोशिश ना करी, अब जब कोशिश रही है तो केवल ग्राम सभा भी नहीं है, अब और एक ही गांव पड़ गया है, मानपुर पट्टी धसुर्रा देवानंगला, बस ये दो गांव पड़ रहे हैं, तो इस वजह से यहां अस्पताल की ना भी बनेगा। रहे मुंडा पांडे अस्पताल है। रणजीत, कोरोना महामारी को लेकर के अपने ग्रामवासियों से कुछ जागरूक अपील करना चाहेंगे? जी मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने जागरूक किया है और मैं आज भी कह रहा हूँ, मोदी योगी जो कह रहे हैं उनकी बातों पर चलिए, ऐसा नहीं है लोग कहते हैं कि मतलब ये बीमारी नहीं है, बीमारी है। मैं ये कह रहा हूँ मेरा मानपुर पट्टी के अंदर जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है अगर एक को भी खांसी जुकाम हुआ हो तो बताएं, एक के घर घर जाके अगर किसी को क्वारंटाइन मतलब जो बाहर किया हो तो बताएं, मैंने घर में कराया, घर में रहिए आप, अगर बाहर से आए 14 दिन घर में रहिए। मैंने बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी हर चीज़ से, अगर किसी को पैसे की समस्या है राशन की, वो कह रहे हैं क्वारंटाइन कर दिए साहब, हम खाएं क्या? बिल्कुल साहब, राशन भी दिला रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, आज हम अगर प्रधान हैं तो दे रहे हैं, इस लायक हैं तो दे रहे हैं, नहीं होते तो क्या देते हैं। रणजीत, जैसे कि 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस आ रहा है, अब तो अपने ग्रामवासियों को कुछ शुभकामनाएं? बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मेरी तरफ से, देशवासियों की तरफ से, मेरे भारतवर्ष की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन बीते कार्यकाल में यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, यहाँ पर आवास भी लगभग 90 से 93 लोगों को यहाँ आवास भी मिले हैं, लेकिन अभी भी कुछ परिवार लगभग 8-10 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। स्कूल में भी कार्यकाल के अंतर्गत काफी काम यहाँ पर करवाया गया है। सबसे जो विशेष यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य पर ध्यान दिया गया है वो रास्तों को लेकर है, क्योंकि कई छोटे छोटे गांव इस गांव में यहां लगते हैं जिसकी वजह से जहां आवागमन की इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि वहां पर कच्चा रास्ता भी लोगों को नहीं था मुहैया, जो ग्राम प्रधान ने अपने कार्यकाल में वहां रास्ता लोगों को जो है रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अलावा अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो कुछ समस्याएँ अभी भी यहाँ बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत घर, खेल का मैदान, उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी केंद्र तक इस गाँव में निर्मित नहीं है। इसका कारण ग्राम समाज की भूमि ना होना भी है,
साथ ही कुछ और भी कारण यहाँ रहे हैं। ग्राम प्रधान की यहाँ पूरी कोशिश रही है कि इन सभी का निर्माण उनके ग्राम पंचायत में करवाया जाए। अशरफ अली साहब नाजिम सूर्य।